इसका मतलब इन लोगों को आपके घर में आना जाना चलता ही रहेगा। तरुजा, जब तक मेरी बेटी की शादी नहीं हो जाती तब तक तो आना जाना लगा ही रहेगा। मैं जानता हूँ तुम क्या सोचती हो, लेकिन मेरे समधन के सामने मुझे शर्मिंदा मत करना। दादा आपको शर्मिंदा होगी, आपने कुछ कमाया ही कहा है जो खोने का डर, इज्जत पहले नहीं थी और अब इनसे रिश्ता जोड़कर बचा कुछ सम्मान भी छिन जाएगा। शर्मिंदा तो हम हो रहे हैं, आप इन लोगों से रिश्ता जोड़ने जा रहे हैं, समझे? मेहमानों के सामने जरा सोच समझ की बात कर। तुम्हारी और बेजो बहु की जबान थोड़ी तीखी, इज्जत बना के चलना। बाबा बाबा, मैं इस परिवार की भलाई के लिए बोल रहा हूँ, अगर इन लोगों से रिश्ता जोड़ लिया तो लोग क्यों करेंगे हमारे परिवार? वो सब सोच रहे कि तुम्हें जरूरत नहीं। वैसे भी शुभ, मैं तो मंदिर में ही शादी करने वाला, मेरी मर्जी तो उसी में थी, अनि ने ही घर से शादी करने की। मेरी पोती की शादी मंदिर में क्यों? जब अन्य ने कहा तो उसकी बात को हमें मानेंगे ना? लाल ने कितना नहीं किया है, अनि ने उससे ज्यादा मेरी मदद की है, मैं उसकी बात मना नहीं कर सकता। आप चाहे तो अनि को समझा सकते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है अनि ने अगर हम मंदिर में शादी करें, और जहां तक मुझे लगता है आपको भी कोई दिक्कत नहीं। कोई जरूरत नहीं बड़ी बहू। नहीं बहू, हमें कोई दिक्कत नहीं, दरअसल उनके पास तो घर ही नहीं है। नहीं मतलब घर है लेकिन कैसे है ना, दो कमरे का छोटा टूटा फूटा घर, उनको तो कोई हक नहीं है कि हम आपको बोले कि आप अपने घर से शादी करें। जैसा भी होगा हम अपने घर में बस्ती में छोटा सा एकदम धड़ा दिंदा सा कुछ कर रहे हैं ना।